हेलो एवरीवन, लार्सन स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पोकन में जो मैनली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इंग्लिश को समझने में जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सेम प्रोनंसिएशन वर्ड्स जिनका जो उच्चारण होता है वो तो सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होता है। आइए आज उनको पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला दे रखा ड्वेल, DUEL, ड्वेल, ड्वेल स्पेलिंग अंतर है, यह भी ड्वेल, ड्वेल इसका मतलब होता है प्रतिद्वंद, या फिर ऐसा कह सकते हैं द्वंद युद्ध, द्वंद युद्ध। इसका होता है दोहरी, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ड्वेल मतलब द्वंद युद्ध, ड्वेल मतलब दोहरी। फाउल, फाउल मतलब होता है अशुद्ध करना, एफ ओ यू एल फाउल मीन्स अशुद्ध करना, एफ एफ ओ डब्ल्यू एल फाउल मतलब होता है पक्षी, एच ए आई आर हेयर मतलब होता है बाल, एच ए आर ई हेयर मतलब होता है खरगोश, एच ओ एल वाई हॉली, हॉली मतलब होता है पवित्र, डब्ल्यू एच ओ डबल एल वाई मतलब होता है संपूर्ण, एन ई डब्ल्यू न्यू मतलब होता है नया, के एन ई डब्ल्यू न्यू मतलब होता है जाना, टी ए आई एल टेल मतलब होता है पूंछ, टी ए एल मतलब टी ए एल ई मतलब होता है कहानी, डब्ल्यू ई ए के वीक मतलब होता है कमजोर, डब्ल्यू डबल ई के वीक मतलब होता है सप्ताह, एफ ए आर ई फेयर मतलब होता है किराया, एफ ए आई आर मतलब होता है स्पष्ट, जी ए आई टी गेट मतलब होता है चाल, और जी ए टी ई गेट मतलब होता है दरवाजा, एच ई आर डी हर्ड मतलब होता है झुंड, एच ई ए आर डी हर्ड मतलब होता है सुना, एम ए एल ई मेल मतलब होता है पुरुष, एम ए आई एल मेल मतलब होता है मेल, एन ओ नो मतलब नहीं, एन के एन ओ डब्ल्यू नो मतलब जाना या जानना, टी एच ई आई आर देयर मतलब उनका, टी एच ई आर ई देयर मतलब वह। आइए कुछ और देखते हैं इसी प्रकार के सेम वर्ड्स, ये कुछ और सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स हैं। फोर्थ, एफ ओ आर टी एच फोर्थ मतलब होता है आगे, एफ ओ यू आर टी एच फोर्थ मतलब होता है चौथी, जी आर ओ डब्ल्यू एन ग्रोन मतलब बड़ा हुआ, जी आर ओ एन ग्रोन मतलब कराहना, एच ई आर ई हियर मतलब यहां, एच ई ए आर हेयर मतलब सुनना, एम ई डबल टी एल ई मेटल मतलब उत्साह, एम ई टी एल मेटल मतलब धातु, पी ए आई आर पैर मतलब जोड़ी, पी ए आर ई पैर मतलब पारे, टी डबल ओ टू टू मतलब बहुत, और टी डब्ल्यू टू मतलब दो। तो ये रहे कुछ सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स जिनका उपयोग करके हम अपनी इंग्लिश को, हमारे स्पोकन्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना, प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।